दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे यानी विनोद विश्वकर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विनोद विश्वकर्मा आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं। दोस्त, यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्त, जब इस वीडियो को मैं देखा, जब इन बातों को मैंने सुना, विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ। और दोस्त, एक बार विश्वास आपको भी नहीं होगा। और दोस्त, वाकई में इस वीडियो की जितनी तारीफ की जाए, इस स्टोरी की, इस कहानी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्त, विश्वास तो वैसे मुझे भी नहीं हुआ था, वैसे आपको भी एक बार नहीं होगा, लेकिन दोस्त विश्वास तो करना ही होगा। और दोस्त, आज ये गजब का जो मेहनत है, जो लगन है, जो पागलपन है, जो जुनून है, वाकई में दोस्त जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो भी है आप इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। वो लेडीज खुद अपने बारे में सारी बातें बताती है। दोस्त, यकीन मानो, वो जो बातें बताती है, उन बातों को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से पहली बार मैंने सुना, समझा, देखा, मेरे होश उड़ गए थे, दोस्त यकीन मानो सेम वैसे ही आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो अभी स्टार्ट होता है। आपको पूरा नाम? योगिता रघुवंशी। कहाँ के आप? मैं भोपाल रहती हूँ और हाँ। मैं हूँ नंदुरबार की। बोले, ये लाइन में आप कैसे आ गए? ये इनकम ऑफ सोर्स के लिए मैं ये लाइन में। तो आपका घर को किसका कुछ जरूरत? घर में ना, मेरे हस्बैंड वकील थे और मैंने भी वकालत करी है, प्रैक्टिस भी की है, पर मुझे ना पैसे की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने ट्रक लाइन में ज्वाइन किया। आपके बच्चे वगैरह? हाँ, मैंने दोनों बच्चों को पढ़ा दिया। लड़की है इंजीनियर, वो गुजरात में नौकरी करती है, और बेटा अभी कॉलेज में है। और माँ बाप? माँ बाप नंदुरबार में। तो उनको कुछ दिक्कत नहीं है? कुछ उपाय ही नहीं था, पैसे कमाना बहुत जरूरी था घर चलाने के लिए। हस्बैंड है अभी की? नहीं, वो एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट। घर चलाने के लिए आपने ये लाइन चालू की? मैंने जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद मैं ये लाइन में आई। आप कितने साल से लाइन में? ये मेरे को 15 साल हो गए। तो आपको कुछ रास्ते में दिक्कत हो, कुछ ऐसा कुछ टेंशन? आप देखिए, लेडीज के हिसाब से अपन गाड़ी चला रहे, कुछ ऐसा कुछ बर्डन होकर किसका? कुछ अभी तक तो नहीं, मुझे सभी लोगों ने सहकार्य किया और आगे भी करते, जहाँ तक मतलब मैं हरियाणा, उत्तरांचल सब दूर जाकर आई, जम्मू, हाँ। केरला, लेकिन मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आई तो सपोर्ट ही करते हैं। घर को भी प्रॉब्लम नहीं किसका? घर का तो इनकम ऑफ सोर्स के लिए कुछ और उपाय नहीं था, तो मैंने नौकरियां दो चार करी लेकिन छोड़ दिया, उससे मेरा बच्चे लोगों का एजुकेशन नहीं हो पाया। आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई बीकॉम एलएलबी। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, तो दोस्त अब इसमें निगेटिव चीजें ना देखकर हम पॉजिटिव देखते हैं कि दोस्त, इतनी मुसीबतों के बाद भी ये औरत, ये लेडीज आज इतना बड़ा संघर्ष कर रही है अपना जिंदगी चलाने के लिए। दोस्त, ये मेहनत कर रही है और वाकई में काबिले तारीफ है। तो जिंदगी में दिक्कत, परेशानियां, मुसीबतें आती रहती हैं दोस्त, उनसे घबरा कर, उनसे भाग कर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उनसे लड़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर दोस्त ये औरत हार मानकर बैठ जाती तो क्या लगता है कुछ कर पाती? कुछ भी नहीं। लेकिन एक हौसला था, एक जुनून था, कुछ लगन थी करने की, कुछ चाहत था, जिसकी वजह से दोस्त आज ये ट्रक चला रही है और अपना जिंदगी बेहतरीन तरीके से चला रही है। तो दोस्त, अगर कुछ बेहतर सीखा जाए तो हम बहुत कुछ बेहतर सीख सकते हैं कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी दिक्कत, परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हर हाल में लड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्त लड़ने से ही जीत हासिल होगी, लड़ने से ही कुछ होने वाला है, भागने से आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।